नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मनसे लर्निंग चैनल में। बहुत सारे कमेंट आए थे कि इसमें 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला में टीचर ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, वीडियो बनाकर दिखाएं, तो इसी को लेकर आज का वीडियो बनाया गया है। सबसे पहले दोस्तों आप साइट ओपन कर लें, हर घर बने पाठशाला। उसको ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जिसमें प्राथमिक कक्षाएँ ऊपर लिखा होगा, उच्च कक्षाएँ नीचे, इसके नीचे आप देख रहे हैं कक्षा 9th, कक्षा 10th, कक्षा 12th आ रहा है और नीचे आ रहा है शिक्षकों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे नया इंटरफेस खुलेगा जिसमें ऊपर लिखा हुआ आएगा दैनिक मॉनिटरिंग फॉर्म। यह फॉर्म रोज शिक्षकों द्वारा भरा जाएगा। शिक्षकों को यह फॉर्म रोज शाम 5 बजे से पहले भरना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों फॉर्म ऑनलाइन खुल जाएगा जिसमें ऊपर लिखा हुआ आ रहा है डेली स्टडी प्लान कंप्लियंस फॉर्म, समय 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला। तो दोस्तों यहाँ बेसिक क्वेश्चन होंगे, उनके आपने आंसर करने हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना नाम यहाँ टाइप करना है, दूसरे कॉलम में आपने अपना मोबाइल नंबर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, तीसरे स्टेप पर आपको डिस्ट्रिक्ट नेम, जैसे मैंने यहाँ सिरमौर क्लिक कर लिया है। उसके बाद दोस्तों नीचे ब्लॉक आपको अपना चूज़ करना होगा, किस ब्लॉक से आप संबंध रखते हैं, कौन सा एजुकेशन ब्लॉक है आपका, उसको क्लिक कर लें। सेलेक्ट योर स्कूल, उसके बाद अपने स्कूल को आपने सेलेक्ट करना है, जिस स्कूल में प्रेजेंटली आप काम कर रहे हैं वो स्कूल आपको चूज़ करना होगा। जैसे यहाँ पूरे ब्लॉक की लिस्ट ओपन हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों स्कूल चूज़ करने के बाद कौन कौन सी कक्षाओं को आप पढ़ाते हैं वो चूज़ करनी होगी। नीचे लिखा है कृपया अपनी कक्षा चुनें, तो दोस्तों यहाँ 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 12th कक्षाएं दी हुई है, तो यहाँ मैं चूज़ कर लेता हूँ 7th, 8th, 9th और 10th। उसके बाद दोस्तों 7th चूज़ की है तो कक्षा 7 की जानकारी यहाँ पूरी भरनी होगी। कृपया अपना विषय चूज़ करें, कौन सा विषय आप पढ़ाते हैं कक्षा 7 को वो सिलेक्ट करना है। एंटर द एनरोलमेंट इन योर क्लास, कितने बच्चे आपकी क्लास में हैं वो यहाँ आपने लिखने हैं, टाइप करने हैं। आपकी कक्षा में कितने बच्चे अभिभावक व्हाट्सएप पर हैं तो वो भी आपको यहाँ टाइप करना है। जो बच्चे व्हाट्सएप पर नहीं हैं उनको आप व्हाट्सएप पर लाने के लिए क्या कर रहे हैं, तो यहाँ ऑप्शन दी है तो आप चूज़ कर लें। यदि सारे बच्चे आपके जुड़ चुके हैं तो ऑल स्टूडेंट्स हैव बीन एनरोल्ड पर टिक करना है। पढ़ाई की लिंक कितने बजे व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराई, जो लिंक था आज का वीडियो का वो कितने बजे आपने व्हाट्सएप किया उसको क्लिक करना होगा। व्हाट्सएप के मैसेज की फ़ोटो खींच कर यहाँ डालें, यहाँ आपको अपलोड करना होगा और फ़ोटो का साइज 10 MB से कम रहेगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आएगा, क्या आपने बच्चों की अभ्यास पुस्तिका होमवर्क की जांच कर बच्चों के साथ बांटा, यस या नो, या डिड नॉट रिसीव एनी वर्कशीट, इस पर क्लिक करना होगा। आप कितने बच्चों की अभ्यास पुस्तिका चेक कर रहे हैं वो भरना होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कक्षा जो आपने भरी होगी उसमें भी ये सारी जानकारी इसी तरह भरनी होगी जैसे मैंने अभी आपको क्लास 7th की जानकारी बताई। तो जो जो कक्षाएं आप पढ़ाते हैं उनको टिक करके यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी होगी। उसके बाद दोस्तों नीचे स्लाइड करने के बाद नेक्स्ट कॉलम आएगा, उसमें लिखा है ऊपर दी गई सारी जानकारी मेरे अनुसार सही है, उस पर क्लिक करना होगा। और साथ में एक कॉलम और, क्या आपने आज टीचर ऐप यूज़ की, यस या नो में क्लिक करना होगा और अंत में सबमिट करना होगा। दोस्तों इस तरह ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। यदि क्वेरी हो आपकी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। साइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहीं से आप डायरेक्ट इस फॉर्म को भर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।